हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये देख लीजिए, हमारे पास एक फ़्लिप फ़ोन आया है बनने। दरअसल ये फ़ोन में प्रॉब्लम ये था, ये जब आया था हमारे पास तो इसके अंदर जो चार्जिंग एरर था और प्लस जब फ्लिप अनफ्लिप कर रहे थे डिस्प्ले कभी आ रहा था कभी नहीं आ रहा था, फिर बंद करके चालू कर रहे तो आ रहा था। और तीसरा प्रॉब्लम था माइक का, और माइक भी वर्क नहीं कर रहा था और समटाइम नेटवर्क भी फ्लक्चुएट कर रहा था ये जब वहाँ पर बनने आया था। तो गलती से क्या हो गया, हमारे पास जो इसकी ओपनिंग फिटिंग की वीडियो है और एक्चुअली उस टाइम पे मेरा कोई फ़ोन में अपडेट आया था, वो अपडेट किया तो फ़ोन ही फिर मेरा लोगो पे हैंग हो गया, तो मेरे को हैंड फॉर्मेट मारना पड़ा था, उसकी वजह से इसका डेटा उड़ गया था। और ये इसके बाद की वीडियो है जो मैंने बताया है आपको, और ये जो फ़ोटो भेजा था मैंने कस्टमर को, और ये इसके बाद की वीडियो है फ़ोन ओके होने के बाद की। तो ये देख लीजिए, सबसे पहले जो इसका है हमारा जो चार्जिंग का प्रॉब्लम है वो भी ओके हो चुका था, और देख लीजिए अभी चार्जिंग परसेंट भी बढ़ना चालू हो गया था। और प्लस जो इसका था अभी हम ये चेक कर लेंगे, डिस्प्ले भी देख लीजिए, मैं फ्लैप अनफ्लैप इसलिए कर रहा हूँ, डिस्प्ले जा रहा है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं डिस्प्ले, इसलिए मैं चेक कर रहा था। और प्लस आज तो ये भी हुआ गाइस, मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो उसकी वजह से मेरी जो आवाज़ है आपको बराबर नहीं आ रही होंगी, तो उसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ। तो देख लीजिए अभी ये फ़ोन ऑन हो रहा है, लोगों पे स्टॉक है तो थोड़ी देर में आगे बढ़ जाएगा, तो थोड़ा हमें आगे बढ़ते तक के पेशेंस रखना है, वेट कर लेना है। मैं आज इसमें कुछ फास्ट फॉरवर्डिंग नहीं करूँगा, जो है सामने रियल बताऊँगा। तो देख लीजिए ये जो है फ़ोन हमारा पूरी तरीके से ऑन हो चुका है, तो अभी हम इसे अनलॉक करते हैं और इसे चेक करते हैं कि वाकई में जो हमारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। और कभी कभी ये फ़ोन चार्ज लेता था लेकिन कभी नहीं लेता था, इसकी जो इंटरनल जो फ्लेक्स रहता है आईसी में प्रॉब्लम आ गया था, वो चेंज कर दिया हमने तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। तो इसकी वीडियो मेरी बनाने की इसलिए रह गई थी क्योंकि मेरे पास जो वीडियो बनाया था मैंने वो डिलीट हो चुकी थी, और मेरे पास जो वीडियो बनाई हुई थी वो प्लस ये रही आपके सामने। ये फ़ोन ओके होने के बाद मैंने वीडियो फिर से शूट करके रखा था, और जो वो फ़ोटो थी वो कस्टमर को भेजा था मैंने कि ये प्रॉब्लम दे रहा है। और मैंने जब इसे चेक किया, इनकमिंग आउटगोइंग रिंगर स्पीकर माइक सब कुछ ओके हो चुका था। अगर आपको भी इसी तरीके से हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। तो चलिए मिलेंगे हम आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।